लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें स्पोर्ट मोड पे। तो स्पोर्ट में भी मैं पहुंच गया हूँ, तो यहाँ पे देखो स्टीयरिंग व्हील के साथ ही यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा 0 to 100 करने का, काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहा इंजन। प्ले कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज है हमारे पास Hyundai Venue N9, N8 मॉडल है ये, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू AM Hyundai जम्मू जिन्होंने गाड़ी प्रोवाइड किया हमें। तो आज की वीडियो में आप देखोगे इसका ड्राइव इम्प्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है Venue N9 की। सो फ्रंट लुक कुछ इस तरह से आ जाती है, एंड यहाँ पे की देख लो तो की कुछ इस तरह से मिल जाती है आपको। 16 inches आपको अलॉय व्हील मिल रहा है, साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आ जाती है। एंड रियर से बात करेंगे तो रियर में कुछ इस तरह से लुक्स आ जाती हैं Venue N9 की। एंड यहाँ पे आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है इसका। हीट आती है इसमें जब ये एग्जॉस्ट चलता है, तो ये आपको फील होगी जब भी आप पीछे यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे फील कर सकते हो आप। तो सर्दियों में तो यार हाथ भी आप गर्म कर सकते हो यहाँ पे। सो कुछ इस तरह से रियर लुक आती है इसकी। अभी चलते हैं इसके अंदर और ड्राइव इंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो ओपन करने में कुछ इस तरह से आपको डोर ओपनिंग मिल जाती है इसमें। एंटर करने में आपको कुछ इस तरह से इंटीरियर मिल जाएगा, ऑल ब्लैक में आता है विद रेड इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया लगते हैं, स्पोर्ट्स आपको यहाँ पे फील देने वाले हैं ये। सो पुट स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। गाड़ी ऑन हो चुकी है अभी, सीट बेल्ट, हैंड ब्रेक डाउन। सो अभी इसको लॉन्च करते हैं। ये हमारे पास 7 DCT के साथ आता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। सो इसको डी में चल जाते हैं, अभी लॉन्च करते हैं गाड़ी को। इनिशियल लॉन्च काफ़ी बढ़िया मिल जाता आपको इसमें। एंड सबसे पहले हम इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं। तो इंजन आपको इसमें मिलने वाला है 1.0 liter पेट्रोल इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 120 PS की एंड 172 Nm टॉर्क। सो जब आप इसको ड्राइव करोगे आपको पूरा पूरा फील होने वाले हैं ये पावर फिगर्स। तो काफ़ी बढ़िया पावर फिगर्स इसमें मिल जाते हैं। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने i20 N9 ड्राइव की थी, उसमें भी काफ़ी बढ़िया मज़ा आ जाता है, और ये भी जब आप ड्राइव करोगे तो इसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और जैसे यहाँ पे तो ये नॉर्मल मोड में अभी चल रही है, और इसमें आप मोड चेंज कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड का यहाँ पे डायल मिल जाता है। सो इसमें ड्राइव मोड आपको मिल रहे हैं नॉर्मल, इको एंड स्पोर्ट। इको में तो यार बिल्कुल कम परफॉर्मेंस मिलती है आपको, बिकॉज़ यहाँ पर माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाती है उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें स्पोर्ट मोड पर। तो स्पोर्ट में भी मैं पहुँच गया हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या बढ़िया यहाँ पे पिक मिलता है इसमें। पुश इतना सही मिलता है कि आपको मज़ा ही आने वाला है इसको ड्राइव करने में। मज़ा तो आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाती है। तो इसको पिक हम आगे करेंगे, थोड़ा खाली रोड मिलेगा जहाँ पे। उससे पहले बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी। तो स्टेयरिंग की बात करेंगे तो स्टेयरिंग कुछ इस तरह से मिल जाता है, लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल रहा है इसमें, साथ में रेड स्टिचिंग मिल जाती है। फीडबैक काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसमें। शुरू में आपको थोड़ा सा लाइट फील होता है, लेकिन जैसे ही आपकी स्पीड यहाँ पर बढ़ती है तो उसके साथ साथ ये थोड़ा स्टिफ हो जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया बनाया गया स्टेयरिंग व्हील इसका। स्टीयरिंग व्हील के साथ ही यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मिल जाते हैं। तो पैडल शिफ्टर यार बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपको ट्रिपट्रॉनिक यहाँ पे मिल जाता है, तो ट्रिपट्रॉनिक को यूज़ करने में यहाँ पे थोड़ा सा आपका हाथ स्टीयरिंग व्हील से हट जाता है, लेकिन इसमें आपको जो पैडल शिफ्टर मिलते हैं काफ़ी ईज मिल जाता है, ईजिली आप गेयर शिफ्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर हम मैनुअल पर चल जाते हैं, तो मैनुअल पर यहाँ S4 पर अभी चल रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पर। जैसे ही हमने यहाँ पे पिक की है, यहाँ से आराम से आप यहाँ पे गियर शिफ्ट कर सकते हो।
और जैसे ही 80 के ऊपर यहाँ पे जाओगे तो स्पीड वार्निंग यहाँ पे आ जाता है, सिक्स्थ गियर एंड सेवन, तो सेवन DCT के साथ आता है ये। सो DCT के बारे में मैं आपको बता दूँ, DCT में आपके डुअल क्लच होते हैं यहाँ पे जो कि काम करते हैं। सो अल्टरनेट गियर्स पे काम करता है DCT में जो डुअल क्लच होते हैं। क्लच आपका काम करेगा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ, और दूसरा क्लच जो होगा वो आपका काम करेगा सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ के लिए, जिसकी वजह से आपको ईज मिल जाता है, लैग फील नहीं होता है जब भी गियर शिफ्ट होते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है जब आप DCT चलाते हो। तो ये बोलने में जितना आसान लग रहा है उतना ही जब आप ड्राइव करते हो उतना ही आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है उसमें। उसी के साथ यहाँ पे कवरेज की बात करेंगे तो आपको कवरेज काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, रोड कवरेज, प्रेजेंस काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, कमांडिंग सीट फील मिल जाता है आपको इसमें, ORVM की प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है, ORVM वाइड कवरेज देते हैं रेयर का। यहाँ पे आपको व्यू की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, हर तरफ से आपको यहाँ पे अच्छे से कवरेज मिल जाता है। एंड ब्रेकिंग की बात करेंगे तो ब्रेकिंग इसमें आपको ऑल डिस्क ब्रेक मिल रही है, सो पावरफुल इंजन मिल रहा है, तो उसी के साथ साथ डिस्क ब्रेक जो दी है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है उसकी। यहाँ पे अभी हमें 57 पे, तो ब्रेक टेस्ट एक कर लेते हैं, पीछे कोई भी नहीं है, क्वाइट रिस्पॉन्सिव ब्रेक्स, ब्रेक काफ़ी बढ़िया मिल जाती हैं आपको इसमें, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा, फीडबैक आपको टू द पॉइंट मिलता है, तो ब्रेकिंग में भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये गाड़ी। बाकी यार एनलाइन के ये जो पावर डिलीवरी है वो तो सबको ही बहुत पसंद है। एंड यहाँ पे कॉर्नरिंग की बात करेंगे तो कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छे से मिल जाती है आपको इसमें बिकॉज ऑफ द स्टिफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो इसमें मिल रहे हैं, सस्पेंशन सेटअप आपको स्टिफ मिल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़िया रहता है आपका उससे। रिड्यूस स्पीड ये 80 पे आपको आएगा ही आएगा इसमें। बाकी बात की जाए इसके क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। AC इसका इतना ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को, AC वेंट की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी दी गई है जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कूल ये बहुत जल्दी हो जाती है, कैबिन काफ़ी जल्दी कूल हो जाता है। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे वेन्यू दिख गई है, वो नॉर्मल इंजन के साथ आती है, और यहाँ पे हम चला रहे हैं टर्बो इंजन। तो जैसे ही मैं बता रहा था आपको AC काफ़ी अच्छा दिया गया है इसमें, वो तो आपको पता ही होगा Hyundai की सभी गाड़ियों में पावरफुल AC आता है, कूलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो तब से AC हमने लगाया है और काफ़ी अच्छी कूलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। बीइंग टॉप मॉडल NH मॉडल है ये, और यहाँ पे डैश कैम का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि डुअल रिकॉर्डिंग के साथ आता है। यहाँ पे कैबिन व्यू भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा और फ्रंट का व्यू भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इसमें, ये चीज़ आपने एक्स्टर में भी देखी होगी। जो गाइस यहाँ पे अभी खाली स्ट्रेच हमें मिल गया है, तो यहाँ पे 0 to 100 इसका टेस्ट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे स्पोर्ट मोड पे मैं आ गया हूँ और खाली रोड है बिल्कुल, तो जब भी आप ये चेक करोगे तो खाली रोड आपको मिलना चाहिए। तो 3, 2, 1 गो। सो 100 काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा 0 to 100 करने का, काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहा इंजन, तेज़ पहुंच गई 0 to 100, तो इतनी पावर फिगर्स इसमें मिल रही है तो वो जस्टिफाई करती है बिल्कुल। उसी के साथ बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है, सो क्रूज़ कंट्रोल इनेबल करके देख लेते हैं। सो क्रूज़ कंट्रोल इनेबल हो गया है अभी, एंड यहाँ पे 63 पे लॉक हो गई है स्पीड, तो 63 पे ये लॉक रहेगी। हाईवे राइड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। सो अभी क्रूज़ कंट्रोल हमने ऑफ कर दिया है, और यहाँ पे सीटिंग की बात करेंगे तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसमें। लेदरेट सीट मिल रही हैं आपको जो कि रेड पाइपिंग के साथ आती हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, और जब आप इसमें ड्राइव करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको कम्फर्ट लेवल रहने वाला है। और मैन्यूवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसमें, मैन्यूवर काफ़ी अच्छे से हो जाती है गाड़ी। टर्निंग रेडियस इसका इतना अच्छा है कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो गाड़ी को। और जो फील ओवरऑल इसमें आपको मिल रही है, SUV वाली फील मिल जाती है। यहाँ से यू टर्न कर लेते हैं और यू टर्न पे देखते हैं इसका टर्निंग रेडियस कैसा काम करता है। काफ़ी बढ़िया टर्निंग रेडियस मिल जाता है आपको इसमें। माइलेज इसकी अभी जो हमें मिल रही है 11.3 किलोमीटर पर लीटर की मिल रही है, जो कि डिसेंट है। इतनी हमने इसमें पावर से चलाई है गाड़ी, उतने में 11.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज काफ़ी बढ़िया माइलेज है। और अगर आप आराम से चला रहे हो तो इससे ज़्यादा भी मिल सकती है आपको। और ये जो माइलेज है ये अभी स्पोर्ट में यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे मैं चेंज करके देखता हूँ। नॉर्मल पे अभी आ गया हूँ तो इसको
अपडेट होते हैं थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इको में चलाओगे तो मेरे हिसाब से 14-15 की तो आराम से माइलेज मिलनी चाहिए आपको हाईवे पे। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेफ्टी इसमें 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं आपको, और उसी के साथ बाकी फीचर्स भी मिल जाते हैं, हिल असिस्ट कंट्रोल, HSC, VSM, आपको सभी फीचर देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। बाकी इसमें यहाँ पे MID में देखा जाए तो MID में आपको यहाँ पे कंपस भी शो कर देगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आ जाता है यहाँ पे। डे लाइट में भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। सेंटर में स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पे 8 इंचज़ की यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल रही है। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स इसका। मैप वगैरह आपको सभी फीचर मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायर्ड में मिलता है। बाकी इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसमें, जो फुल ब्लैक में आता है। यहाँ पे आप देखोगे तो रात को आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है, रेड लाइट आती है वो। सो ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा मेरा इसमें। तभी म्यूज़िक सिस्टम भी यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है इसमें। 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर के साथ आया था यहाँ ये, और प्ले कर लेते हैं यहाँ पे ट्रैक। तो अच्छा खासा आपको इसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है, और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे मेरे को लगी कि यहाँ पे वॉल्यूम नॉब यहाँ पे दिया गया है। सो काफ़ी गाड़ियाँ मैंने देखी जिसमें टच स्क्रीन आता है तो वॉल्यूम नॉब नहीं दिया जाता है, तो ये काफ़ी हैंडी रहता है जब भी आपने वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे भी ऐसे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है इसमें। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेरी होगी आपकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।